पहले हम लोगों ने भारत के अपवाह तंत्र को पढ़ लिया था। आज उस अपवाह तंत्र में हम लोगों ने जब हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा तो उसमें तीन बड़े नदी तंत्र थे। इसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। उसमें से आज हम लोग जो पहला टॉपिक लेकर चलेंगे उसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के जो सिंधु नदी तंत्र है ये भारत के सभी बड़ी नदी तंत्रों में से एक है। और इसमें अगर देखा जाए तो सिंधु नदी तंत्र में बहुत सारी नदियाँ आती हैं, जैसे आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कुर्रम, गिलगिट, मतलब बहुत सारी ऐसी नदियाँ आती हैं। इन सभी नदियों के बारे में हम मिलकर एक सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। और आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सभी एपिसोड इसके देखिएगा ताकि आपको भी इसको पढ़ने में लगे कि वास्तव में नदी तंत्र कैसे है तैयार किया जाए, कि मैं पूरी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इस अपवाह तंत्र का जो निर्माण हुआ है वो सिंध तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। अगर हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे तो इस नदी तंत्र जो अपवाह तंत्र है, अगर सिंधु अपवाह तंत्र करो अगर हम पढ़ें, नदी तंत्र की जगह अपवाह तंत्र ज़्यादा सही पड़ेगा हम लोग के लिए, अपवाह तंत्र। तो इस अपवाह तंत्र का निर्माण सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यह अपवाह तंत्र मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य में स्थित है। अगर भारत में इसकी बात करें तो यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य में स्थित है। और इसका अगर और क्षेत्र देखा जाए तो यह आपके पाकिस्तान और फिर इधर तिब्बत अर्थात चीन में भी इसका क्षेत्र फैला हुआ, लेकिन भारत में ये तीन राज्यों के रूप में सिमटा हुआ है। अगर हम देखें तो सिंधु नदी का जो उद्गम है यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के हिमनदों से होता है। अगर सिंधु का उद्गम हम देखें तो इसका जो उद्गम है वो यहाँ पे तिब्बत के कैलाश पर्वत हिमनदों से होता है तथा ये जम्मू कश्मीर में यह नदी लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहते हुए निकल जाती है। इस बात को ध्यान देना है कहाँ से। अब अगर इसका उद्गम देखा जाए तो इसके उद्गम से दो जगह से दो बातें आती हैं। एक तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास से यह नदी निकलती है, लेकिन कुछ किताबों में जैसे एक दो किताबें और है उसमें इसका बोखर चू हिमनद और हम लोग जो जानते हैं वो है चेमा युंग डोंग ग्लेशियर। ठीक, ये दो हिमनद है जहाँ से इसकी बताई जाती है, इसका उद्गम बताया जाता है, इन्हीं हिमनदों से हुआ है। अब आगे हम देखते हैं तो हमने ये देखा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से या बोखरचू हिमनद से होता है। और उसके बाद ये भारत में प्रवेश करते हुए कहाँ चली जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अगर सिंधु नदी की बात करें इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 2880 किलोमीटर। ये भी आप लिख सकते हैं कहाँ, 2880 किलोमीटर। ये भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहती है। कहाँ से बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहती है। और अगर इसके अफवाह नदियों की बात करें तो काबुल, गिलगिट, तस्योक इसकी प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो दाएं छोर से निकलती है। मानी नदियां उद्गम होने के बाद दाएं छोर से मिलने वाली क्या नदी है, स्योक, गिलगिट, काबुल आदि ऐसी नदियां हैं जो क्या करती हैं, इसके दाएं छोर से मिलती है। मानी नदी इस तरह से बह रही है जो ऊपर की तरफ से नदियां आएंगी, उत्तर की तरफ से आके सिंधु में मिलेंगी, उन सभी नदियों को हमें कहेंगे कि दाएं छोर से मिलने वाली नदियां। जबकि जास्कर, दराश, जो पंचनद, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास ये प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो बाईं तरफ से मिलती हैं। बाईं तरफ से मिल रही, देखिए अगर इधर से नदी तंत्र आ रही है तो जो उत्तर से नदी तंत्र की मिल रही है, सिंधु नदी के जो नदियां उत्तर से आकर मिल रही हैं उन्हें हम दाईं तरफ की नदियां कहेंगे, दाईं तरफ की सहायक नदियां। और जो इसके सिंधु नदी के दक्षिण से मिल रही है उन सभी नदियों को क्या कहेंगे हम उन सभी नदियों को हम क्या कहेंगे, बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां। इस प्रकार हमने देखा सिंधु नदी के दाएं तट और बाएं तट से मिलने वाली नदियों को मिलाकर इसके अपवाह तंत्र या नदी तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके विषय में। अब पंचनद, पंचनद किसे कहते हैं, ये पंचनद की सहायक नदियां हैं। तो पांच नदियों
का शहर किसे कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। तो पंचनद सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है। माने जो पंचनद है वो कौन कौन सी है? झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलुज, ये पांचों नदी क्या करती है? जाकर मिलती हैं एक मुख्यधारा से चेनाब से, फिर ये जाकर सिंधु नदी के जो सहायक मिलती हैं यहाँ पे। अगर ये जो पंच नदियाँ हैं जो बाएं तरफ से सिंधु की सहायक नदियाँ मिलती हैं तो पाकिस्तान के मिठानकोट में, कहाँ पे? मिठानकोट। तो ये पंचनद जाके मिठानकोट में मिलती हैं, ठीक। और ये सिंधु कराची के नज़दीक डेल्टा बनाने के पश्चात ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। फिर कहाँ गिर जाती है? ये यहाँ डेल्टा बनाने के बाद, सीधे यहाँ से आने के बाद ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। ठीक, आगे देखा जाए हम लोग, फिर हम देखेंगे कि अगर हम ये पूछा जाए कि लद्दाख की जो राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित, याद रखिएगा लद्दाख की जो राजधानी लेह है वो कहाँ? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद जब भारत में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद पुनः इस पश्चिम कॉर्नर पे सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। किसकी? सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज क्या होता है? यहाँ पे हिमालय है तो हिमालय को काट कर सिंधु नदी दक्षिणी तरफ घूम जाती है, ठीक। कहाँ घूम जाती है? दक्षिणी तरफ। इधर से सिंधु नदी आती है, ठीक, भारत में प्रवेश करने के बाद फिर दक्षिण तरफ घूमती है। दक्षिण की तरफ घूमने के लिए वो क्या करती है? हिमालय को काटती है। हिमालय को, जैसे ये हिमालय है, इसको नदियां तब तक काटेंगी जब तक वो समुद्र तल को न प्राप्त कर ले। तो क्या करती हैं? यहाँ पे इस नदी को काटते हुए नीचे की तरफ बहती हुई चली जाती है यहाँ, और नदी की जलधारा कहाँ होती? नीचे से बहने लगती है। इसे गार्ज कहते हैं। यही गार्ज जब बड़ा हो जाता है इसे हम कैनियन कहते हैं। यही गार्ज जब बड़ा हो जाता है इसे हम क्या कहते हैं? कैनियन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैनियन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पश्चिम में जो हिमालय को काटती है उसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु गार्ज। और इससे आई आकार की घाटी का निर्माण होता है। किस आकार की? आई आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं यहाँ से जो सिंधु नदी है वो दक्षिण की तरफ घूम जाती है या दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, ठीक। आगे लिखते हैं, कुछ की पॉइंट है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। अब हम एक प्रश्न ये बनता है कि जो सिंधु नदी है इसके जो सिंधु नदी तंत्र है, इसमें बहुत सारी नदियाँ, अगर नदियों के नाम देखा जाए तो झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज श्योक गिलगिट जास्कर गोमल द्रास श्योक शिगार कुर्रम काबुल आदि ऐसी नदियाँ हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं और इनसे मिलकर सिंधु नदी तंत्र या सिंधु अफवा तंत्र का निर्माण होता है। फिर इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो सिंधु जो है कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, एक बात। दूसरी बात, तिब्बत वर्तमान समय में चीन आधिपत्य है तो यहाँ पे जो कैलाश पर्वत है उसी के पास मानसरोवर झील है, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, याद रखिएगा सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है, अगर हम सिंधु नदी को पढ़ना चाहें, सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहते हैं, सिंधु नदी की कुल लंबाई देखा जाए 2880 किलोमीटर है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरा इसका स्थान आता है। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र है, 2880 किलोमीटर क्या है आपकी? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। फिर आगे अगर हम लोग देखें भारत में इसकी कुल लंबाई दो मिलती है, एक जगह आपको मिलेगी 709 किलोमीटर, ठीक, और एक किताब में जो ऑथेंटिक बुक अगर देखा जाए उसमें कितना इसका? 1114 किलोमीटर भारत में यह 1114 किलोमीटर यात्रा करती है। कुछ किताबों में आपको पीओके को छोड़कर वो 709 किलोमीटर भी दर्शाते हैं क्योंकि पीओके से ज़्यादा बहती है, ठीक। तो कितनी है? 1114 किलोमीटर जो सिंधु नदी है वो क्या करती है? भारत में बहती है। क्या करती है? भारत में बहती है। फिर हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर, इस नदी भारत और पाकिस्तान को लेकर इस नदी के लिए एक क्या हुआ था? समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इस समझौते को सिंधु नदी जल समझौता के नाम से जाना जाता था। जो ये समझौता था ये विश्व बैंक द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा आयोजित किया गया था और जो गठित की गई थी उसे सिंधु बेसिन सलाहकार बोर्ड ने 1959 में इंडिया बेसिन प्लान बी एस पी बी
BSP माने BSP नहीं सॉरी IBP आई इंडिया बेसिन प्लान के नाम से 1959 में यह भारत और पाकिस्तान के बीच यह प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा गठित सिंधु बेसिन सलाहकार 1959 में इंडिया बेसिन प्लान प्रस्तुत किया, जो बाद में भारत पाकिस्तान के बीच यही प्लान सिंधु जल संधि के नाम से जाना गया। किसके? इंडिया बेसिन प्लान, जो विश्व बैंक द्वारा उस समय गठित की गई, बाद में यही सिंधु जल संधि के नाम से जाना गया। फिर भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, कौन थे? अयूब खान और भारत के कौन थे? प्रधानमंत्री नेहरू जी। इन दोनों के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 19 सितंबर 1960 याद रखिएगा डेट 19 सितंबर 1960 में क्या हुआ? सिंधु जल समझौता हुआ। इसमें दो प्रावधान किए गए। इन दोनों प्रावधानों के बारे में देख लेते हैं। अगर भारत में सिंधु की सहायक नदियों को देखा जाए तो दो तरह से, जिसमें हम सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के नाम से जाना जाता है। इनमें से अगर ये कुल 6 नदियां हैं तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं इसके जो जल का उपयोग ये हुआ पाकिस्तान करेगी, और नीचे की जो 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इसके नदियों के जल का उपयोग भारत करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 19 सितंबर 1960 को जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य जो हुआ था, उसमें यह बात कहा गया था कि ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके नदियों का जो जल है, ऊपर की 3 नदियां इनके जल का 20% भाग इंडिया यूज करेगा। कितना? अगर इंडिया देखा जाए तो इंडिया माने भारत कितना यूज करेगा? 20%, और पाक इनके जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। जबकि 3 नदियां नीचे की रावी, ब्यास, सतलज जो है, इंडिया इनके जल का 80% स्वयं उपयोग करेगा, जबकि पाकिस्तान इनके जल का 20% इस्तेमाल करेगा। अर्थात यही सिंधु जल समझौता था। क्या था? यही सिंधु जल समझौता था। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो आपको तो हमें बताइएगा, ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके। इसे हम नोट डाउन करते चलिएगा, एक बार हम पूरा दोहरा लेते हैं। यह बोखर चू कहीं कहीं कहा जाता है, लेकिन सिंधु नदी का जो उद्गम है यह मानसरोवर झील के पास, जो मानसरोवर झील है यह कहाँ? कैलाश पर्वत पे है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। 2880 किलोमीटर लंबी यात्रा करने के बाद यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। फिर हमने देखा ये भारत में प्रवेश करने के बाद जम्मू कश्मीर से भारत के पश्चिम में, अर्थात यहाँ पे दक्षिण दिशा की तरफ घूमने से पहले एक गार्ज बनाती है, जिसे हम सिंधु गार्ज कहते हैं। सिंधु गार्ज को आगे बढ़ने के बाद फिर हम आगे देखते हैं भारत की जो पंचनद है वो चिनाब के साथ मिलते हुए कहाँ? बाएं छोर से सिंधु की सहायक नदी बनती है, और वह जाके ये दोनों नदियां मिठानकोट पर मिलती हैं। कहाँ पे? मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद सिंधु की सहायक नदियां बनती हैं। फिर हमने देखा कि भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है, कुछ किताबों में आपको 709 किलोमीटर भी देखने को मिल जाएगा। फिर हमने देखा कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जल, मतलब सिंधु जल समझौता जो हुआ था सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच, यह 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें 6 नदी, 5 पंचनद और एक सिंधु मिला के जो 6 नदियां थी, ऊपर की 3 नदी प्रावधान प्रथम में कहा गया था, इसका अधिक से अधिक जो जल है वो कौन यूज करेगा? कौन? भारत 20% और पाकिस्तान 80%, जबकि नीचे की जो 3 नदियां प्रावधान 2 था उसके 80% जल का उपयोग भारत करेगा, 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। यह क्या था आपका? भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते की एक प्रमुख व्याख्या थी। अब आगे
हम लोग को जो पढ़ना था सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ पढ़नी थी। इन सहायक नदियों में सबसे ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना है, झेलम, चिनाब, रावि, ब्यास और सतलज। तो एक एक करके इन सभी नदियों को बारे में पढ़ते हैं और इसको साथ में आप नोट्स के तौर पर बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स के तौर पर लिखते रहेंगे तो शायद आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आप लोग इसे देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा और शेयर करते हुए चलेगा। एक छोटी सी बात बता दें, जो ये पेंच नद है, सिंधु की सहायक नदियाँ, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। झेलम को अभी देखेंगे तिस्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है, तिस्ता वितस्ता के नाम से, चिनाब को अस्किनी, रावि को पुरसुणी या इरावती के नाम से, ये ऐतिहासिक नाम के हैं, ब्यास को विपासा या अर्गिकिया, सतलज को सताद्रु या सतुद्री के नाम से जाना जाता है, ये भी इनके बारे में एक एक क्रम से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिंधु की प्रमुख सहायक पंचनद के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करिएगा अगले वीडियो का, और हाँ, इसे आप लोग अगर बेहतर लगे तो शेयर जरूर करिएगा और इसकी नोट्स भी साथ में आप बनाते चलिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आपने मुझसे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़ा हो तो आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करते हैं, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह हमने शॉर्ट में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, जिसमें सभी आंकड़ों को भी प्रस्तुत करने का हमने पूर्ण जोड़ प्रयास किया। और एक बात, दूसरी बात आप याद रखिएगा कि आप सभी टेलीग्राम पे हमसे जुड़िएगा, टेलीग्राम के साथ साथ आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे से जुड़िएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ फॉर्मेट और इससे जुड़े प्रश्नों को भी हम सॉल्व कराएंगे। जब ये नदी तंत्र खत्म हो जाएगा तो हम नदी से जुड़े हुए प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे, उन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित किए जा सके। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके पाँच प्रमुख सहायक नदियाँ, जो भारत की भी पंचनद जो नाम से जानी जाती हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।